बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी ज़माने के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम आलिशान पेशगोईयां। आन हजरत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा सलाम का सिर्फ नाम और कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे। तब अल्लाह ताला मेहदी को ज़ाहिर होने का इरशाद फरमाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला इस्लाम को दोबारा गलबा बख्शेगा। हमारे आका व मौला हज़रत अकद्दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सिफत आलम अल गाइब और अल्लाम अल गुयूब के भी मजहर अतम थे। आपसे अल्लाह ताला ने सब पैगंबरों से बढ़कर कलाम किया, सबसे ज़्यादा मसफ़ा गैब अता किया और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले वाक़यात की खबर दी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हकीकत में अल नबी है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलिक फरमाया है कि तर्जमा यानी वो गैब के बयान पर बखील नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा गैब का एक बड़ा हिस्सा तो कुरान करीम में महफूज है, जो अल्लाह ताला के पाक अल्फाज पर मुश्तमिल और अब्दी किताब का हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस में मौजूद है। ये भी यकीनन वही इलाही का हिस्सा है, क्योंकि बग़ैर वही के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह गैब पर इतला नहीं पा सकते थे। हर पूरी होने वाली खबर अपनी ज़ात में बयान करने वाली की सच्चाई का अटल सबूत है। इल्म रवायत के लिहाज से कोई हदीस कितनी ही कमज़ोर हो, लेकिन अगर इसी की पेशन गोई पूरी हो जाती है तो वो यकीनन दुरुस्त और खुदा की तरफ से है। याद रखना चाहिए कि पेश गोयों में अख्फा का पहलू होता है और रूहानी इस्तलाहत में अजीम इनकलाबात को साथ या कयामत के लफ्ज़ से तबीर किया जाता है। इसी तरह आखिरी ज़माने के अक्सर पेश गोयों को भी उन्हीं अल्फाजों से उन्हीं लफ्ज़ों से बयान किया जाता है। प्यारे भाइयों, सैयदना हज़रत मुसल्ला मऊद रज़िल्ला अन्हा ने अपनी किताब दावतुल अमीर में आखिरी ज़माने में मुख्तलिफ पहलुओं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर पेशन गोयाँ दर्ज की हैं। दोस्तों, पेशन गोयों के भी मुख्तलिफ मसलन मजहबी रूहानी इखलाकी सियासी आलमी ज़मीनी आसमानी वगैरह वगैरह होती हैं। आपकी ज़ेर नज़र सिर्फ आखिरी ज़माने के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोयों का इंतखाब है। आज हम वो डिस्कस करेंगे पेश गोयाँ जो पूरी हो चुकी हैं और बेशुमार और होंगी जो आइंदा ज़माने में पूरी होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के ताज़ा ब ताज़ा निशान दुनिया को मैसर आते रहेंगे। आखिरी ज़माने के अलामात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी 71 या 72 फ़िरकों में तकसीम हो गए थे, इसी तरह नसारा का भी हाल हुआ, और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी, लेकिन एक फ़िरके के सिवा सभी जहन्नम में जाएंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गौर करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नाजी फ़िरका कौन सा है। फरमाया, वो फ़िरका जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल पैरवा होगा, वही एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। तर्मज़ी की हदीस मुबारक है 2564। आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम और कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे। तब अल्लाह तबारक व ताला मेहदी अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर होने का इरशाद फरमाएगा, उसके ज़रिए इस्लाम को गलबा बख्शेगा और उसकी तजदीद करेगा। जनाब अल मऊदा जुल्द 3 सिफा 120 शेख सुलेमान तबाए दो मुतबा अरफात बैरूत फरमाते हैं कि ऐसा ज़माना आएगा कि नाम के सिवा इस्लाम का कुछ बाकी नहीं रहेगा, अल्फाज के सिवा कुरान का बाकी कुछ नहीं रहेगा। उस ज़माने के लोगों की मस्जिद बस ज़ाहिर तो आबाद नज़र आएंगी, लेकिन हिदायत से खाली होंगी। उनके उल्मा आसमान के नीचे बसने वाली मखलूक में से बदतरीन मखलूक होगी, उनमें से ही फितने उठेंगे और उनमें से ही लूट जाएगी, यानी तमाम खराबियों का वही सरचश्मा होंगे।
शुएब अल ईमान बहकी जुल्द नंबर 3 सिफा 317 हदीस नंबर 1763। आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फितने रोज़ ज़ोर पर होंगे और लोग एक दूसरे पर हमला आवर होंगे, तब अल्लाह ताला महदी अलैहिस्सलाम को, जो गुमराही के किलों और बंद दिलों को फतेह करेगा, वो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जिस तरह वो जुल्म व सितम से भरी पड़ी थी। प्यारे दोस्तों, आलमों के बारे में उस ज़माने के आलम कौन से कैसे होंगे? शेख सुलेमान बिन इब्राहिम तबेदूम अल-मक्तबा अल-इरफान बैरूत ने कहा, आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा, अज़्दराब और इंतशार का आएगा। लोग अपने उलमाओं के पास रहनुमाई के उम्मीद से जाएंगे तो वो उन्हें बंदर और सुअर की तरह पाएंगे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलमों की वफात के ज़रिए इल्म दीन ख़त्म हो जाएगा और लोग इंतहाई जाहिल अक्षास को अपना सरदार बना लेंगे और उनसे जाकर मसाइल पूछेंगे। वो जाहिल बग़ैर इल्म के फतवा देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अगर आप दोस्तों ने ऐसा ही साथ दिया तो दूसरी वीडियो भी इसी मौजू पर आपको दिखाएंगे, आखिरत के ज़माने पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।